नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं श्योपुर में हुए बवाल की खबर के साथ, जहां अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर पथराव किया गया, महिलाओं ने जेसीबी को भी रोका, विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को खदेड़ा गया। वीरपुर के बड़ा गांव की घटना है, जहां महिलाएं जेसीबी के आगे आ गई, जेसीबी को रोका, महिलाओं ने आप किस तरह से देखा, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर महिलाएं जेसीबी के आगे आ गई और जेसीबी चालक को जेसीबी आगे बढ़ाने ही नहीं दी। साथ ही राजस्व टीम पर पथराव भी यहां पर किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए यहां पर टीम पहुंची थी, उन पर पथराव किया गया, विरोध प्रदर्शन किस तरह से हुआ है और विरोध करने के बहाने यहां महिलाएं आगे आ गई और इस तरह स्वांग रच रच कर महिलाओं ने इस जेसीबी एक्शन को रोक दिया। वीरपुर के बड़ा गांव की यह घटना है, जहां स्थानीय महिलाएं प्रदर्शन करते करते जेसीबी के आगे आ गई और जेसीबी की मूवमेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। राजस्व टीम पर पथराव यहां पर किया गया, कब्जा हटाने के लिए यहां पर टीम पहुंची थी, पुलिसकर्मी भी आपको यहां साइड में खड़े दिखाई दे रहे होंगे जो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और अब बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो हरदा पहुंचे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया, उसके बाद वो पटाखा फैक्ट्री हादसे के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव धमाके वाली जगह पहुंचे, उन्होंने यहां का भी मुआयना किया, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों से बातचीत भी की। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हवाई सर्वे पहले लिया, क्योंकि ऊपर से जो ड्रोन एंगल होता है उससे, एरियल एंगल से, जो जमीन पर किस तरह से तबाही हुई है विस्फोट के बाद, उन्होंने उसका सर्वे किया। फिर वो घायलों से मिले और इसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों के साथ और पूरी घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए और कहा कि जैसे ही इस हादसे की जानकारी उन्हें लगी, उन्होंने तुरंत ही मंत्री को वहां रवाना किया और आज वो पहुंचे हैं यहां पर। और साथ ही ये भी कहा कि कठोर कार्रवाई ऐसी की जाएगी कि लोग याद रखेंगे। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था, रावदय प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड में एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, जहां कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया। एक आरोपी सोमेश अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, 2 दिन की रिमांड पर सोमेश अग्रवाल को भेजा गया है। वहीं 2 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, राजेश अग्रवाल और रफीक खान को 14 दिन की जेल हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमेश अग्रवाल को रिमांड पर लिया है पुलिस ने, 2 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। तो वहीं 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है।